फैंटेसी गेम से जुड़े मोबाइल प्रीमियर लीग को अगले 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पोशाक प्रायोजक चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शीर्ष परिषद के एक सदस्य ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। बीसीसीआई ने पोशाक प्रयोजन के लिए एमपीएल के साथ करार किया है, वह नाइकी की जगह लेगा। अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा कि हाँ, शीर्ष परिषद ने भारतीय टीम यानी पुरुष महिला ए अंडर 19 टीमों के पोशाक प्रयोजन करार को मंजूरी दे दी है। हालांकि प्रति मैच की दर नाइकी द्वारा भुगतान किए जा रहे 88 लाख रुपए प्रति मैच के बजाय 65 लाख रुपए प्रति मैच होगी। नाइकी के 2016 से 2020 तक का करार खत्म हो गया है, जिसके लिए उनसे 30 करोड़ रुपए की रॉयल्टी के साथ 370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति कोई भी अपनी धनराशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था जितना नाइकी ने किया था। एमपीएल अभी आईपीएल के 2 फ्रेंचाइजी टीमों कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। यह भी पता चला है कि बीसीसीआई को सामान की बिक्री से रॉयल्टी के तौर पर 10% हिस्सा मिलेगा। बोर्ड ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि एमपीएल ने एक वस्त्र निर्माता कंपनी स्थापित की है, वह सामान से अनुबंध के लिए भी भुगतान करेंगे। यह करार नवंबर 2023 तक के लिए है।